गुर परमेश्वर पूजिया मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार हर मन तन बसिया सोई जय जयकार करे सब कोई गुरपूरे की बड़ियाई ताकि कीमत कही ना जाए हाँ करवान जाई तेरे नावा जिसनु बागस लहे मेरे प्यारे सो जस तेरा गावा तू भारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ सरनाई मुख निंदक कह शाय आओ जितने माई भाई वीर बुजुर्ग सतगुरु नानक सच्चे पातशाह हाजर नाजर प्रदख गुरु नानक दी जोत प्रगट गुरा की दे जिस दे कोले बहुत नेड़े तुसी बैठे हो कई जन्मा जन्मा दी कमाई करके आ दरबार गुरु नानक दी रखी हुई न्यो उस रखी हुई न्यों दे मकान दे बिच तुसी सारे बैठे हो बहुत सोहने लगते चंगे लगते हो गुरु नानक दे घर आए हो घर तो होर भी बहुत है पर सिरे दा घर है बाबा जी दा किसी प्रेमी ने आख्या बाबा जी संगत भी करी दी है अमृत भी छकिया नाम भी जपी दा गरीबी भी बहुत आ घर विच परेशानी भी रहिंदी है परेशानी रहिंदी ते बेनती भी है बाबा जी चरना ना जोड़ के रखे चरना ना जोड़ के बाबा जी कहिंदे सिखा ये मंग तू पिछले जन्म विच भी मंगी सी बाबा नंद सुंदर ये जन्म पिछले जन्म विच भी तू मंगी सी साथों केड़ी बाबा जी चरणा ना जोड़ के रखियो ते असी बचन करिया सी तू नितनेम ना छड़ी ते संगत ना छड़ी ते गुरु नानक तेरी बाह नहीं छड़ेगा बाबा जी कहिंदे ऊं तैनूं चार जन्म हो गए इस संगत विच बैठे हां कोई गल नहीं बाबा जी कहिंदे जिहड़ी गरीबी है जिहड़ी परेशानी है बाबा जी कहिंदे गुरु नानक ही तैनूं दे रिहा ते गुरु नानक दे रिहा परेशानी ते गरीबी जे तेरी परेशानी ना होवे ना गरीबी होवे फिर बाबा जी कहिंदे भी तेरी प्रीति गुरु नाल नहीं लगनी बाबा फिकर ना कर इस तरह तू जुड़िया रह बाबा जी कहिंदे सिर्फ इस तरह तेरे दो ही जन्म रहिंदे है सिर्फ दो ही जन्म रहिंदे है बाबा जी कहिंदे दो जन्म भुगत के बाबा जी कहिंदे गुरु नानक कोले चौंकड़ा मार के बैठ जाना कोई साधु एडी डिग्री नहीं दे रहा बड़े भाग घर परेशानी गरीबी बाबा जी कहते सी मरदानिया मैं राजा योगी हाँ जमना मरना बंदे की रोजी मेरी मुठ्ठी च है पर मैं अपने सिखा न जेड़े मेरे सिख है मैं उन्होंने जिनी वरतों की माया चाहिए है ना भी उन्नी देनी बद नहीं देनी कहते जे बद दे दी उन्हों की सुरत रहेगी मेरे नालों कई युगों का फर्क पै जाएगा
बाबा जी कहिंदे कई युगां दा, पर बाबा जी कहिंदे जिन्हें नाम जपिया सेवा सिमरन किया अपने गुरु साहब कहिंदे मरदानिया जिन्हें सुरती जोड़ी रखी। बाबा जी कहन लगे भी जिहड़ा कोई कम मर्जी विढ लवे, कम अधूरा नहीं रहण दूं, किसी नूं उंगल नहीं करन दूंगा। भी उह गुरु नानक दा सिख है, लै भी उहदी कोठी धूरी खड़ी है, लै भी उहदा विआह नहीं होया, लै भी फलाना कम नहीं होया। बाबा जी कहिंदे कम पूरा जरूर करूं, पर बाबा जी कहिंदे जिहड़ा मर्जी कम कोई विढ लो, इह राजे जोगी दा घर है। इस करके गुरमुखो आपां उस घरे आए हाँ जिथे साध संगत जन्मा जन्मा की कमाई कट्ठी होंगी है कट्ठी। बाबा जी कहिंदे कि इस दरबार से आ जाइए ना आपां, किते कन्ना दे विच गुरु नानक की वड्याई पै जावे ते जीव दे नाल गुरु नानक की वड्याई करन दा समां मिल जावे ते अखां दे नाल गुरु नानक की वड्याई करन वाले कीर्तनिए रागी बिंगमां दे दर्शन हो जाण ते फिर बाबा जी कहिंदे भी मगर कुछ नहीं रह गया। मगर बाबा जी कहिंदे उहनूं ऐस दरबार चों सारा कुछ ही प्रभावित हो गया, पर टैंपू ट्रालियां ते बंदा तुरिया फिरदा, हरेक दरबार विच गुरु नानक की वड्याई कन्नां विच नहीं पै सकदी। हरेक दरबार विच जीव हिल के धन गुरु नानक नहीं कहिंदी, पर अपने बाबा जी दे विच ही बख्शिशां हन जो बाबा जी की मेहर हो रही है। गर्मी भी बहुत है, संगतां बहुत दूर तकर धुप्पे भी बैठी हैं, पर बाबा जी की कमाई ही वाली है। एहसास सियाल की रुत्त है ते माई गुरम प्यारे घरां तो पूरमाशी वाले दिन रात नूं ठंड भी बहुत है, पैण रहण का बंदोबस्त भी कोई नहीं, तो साध सिंह संगतां ने लिया के लकड़ां पाथियां धूणियां भी ला लिया, अग भी सेकी ते बाणी का रस भी लिया, बाणी का रस लिया। समा पै गया, भोग पै गया, संगतां चलिया गई। सुबह अपने बाबा जी वड्डे पातशाह धन बाबा आनंद सिंह साहब महाराज ऐं टहलदे बाहर आ गए, सुआह दे ढेर पए सी, सुआह दे ढेर रात दे। बाबा जी कहिंदे रतन सिंह भी बड़े सुआह दे ढेर पए आ। रतन सिंह कहिंदा बाबा जी पिंडां च दुनिया आई सी, लोकी आई सी, लोकी दुनिया आई सी, लोकी आई सी, ठंड बहुत सी, उन्होंने अग मचाई ते बाबा जी ठंड तो डरदिआं ने धूणियां तापियां। बाबा जी कहिंदे वड्डे पातशाह, बाबा जी कहिंदे रतन सिंह लोकी नहीं सी, वह दुनिया नहीं सी। बाबा जी कहिंदे पिछले जन्म दे साडे साथी सी, साथी साथी, ठंड भी बहुत सी पर साथों बिना रह भी नहीं सी सकते, रह भी नहीं सकते। बाबा जी कहिंदे अच्छा भाई जिन्हां ने धूणियां तापियां ते गुरु नानक की वड्याई सुनी ते कीती, इउं वचन करिया सुनी ते कीती, जिन्हां ने गुरु नानक की वड्याई कीती उन्हां दे दर्शन कीते। बाबा जी कहिंदे रतन सिंह असीं आपदी माला दे विचों उन्होंने 12 साल धूणियां तापणियां सी, 12 साल जाके जेठ दे महीने धूणियां तापणियां सी, पर बाबा जी कहिंदे असीं अपनी माला दे विचों पूरमाशी एक रात विच ही 12 साल का फल देता, 12 साल 12 साल जिहड़ियां धूणियां तापणियां सी। अपने बाबा जी कहिंदे 12 साल असीं उन्हां नूं मूहरे करता, मूहरे चंगा मास्टर मिल जावे ते गुरमुख प्यारा भी चंगा होवे आउण वाला। कई मौके मास्टर दे नाल विचार करके मास्टर कहिंदा जे तू तरक्की करें थोड़ा होर पढ़े मैं तैनूं 1 साल विच 2 जमातां भी करा दिंदा, चंगा महापुरख मिल जावे। साध संगत बंदा अखी वर्तवान है, सुनिया सुनाई गल नहीं है। कई बंदे इन्नी सेवा संगत सिमरन करते हैं कई जन्म वो गांह हो जाते हैं, गोबिंद मिलन की ये तेरी वारी है,
अवर काज तेरी किते ना काम, मेल साध संग भज केवल जिथे केवल नाम है। गुरु साहब ने सिख ने आखे पातशाह तुसी कहने सतसंग करिया करो, सतसंग भी सतसंग की कोई निशानी दसो की निशानी। गुरु जी कहने सतसंगत कैसी जानगी जिथे इको इको नाम खाने, इको नाम हुक्म है भाई नानक सतगुर दी है बजाए जी। आपा सारे इको नाम की गल की, नानक नाम मिले तो जीवा मेरे च मोए जी जान पेगी। ऐ दरबार च आण के, ऐस दरबार दे विच आण के जो गुरु नानक मैं कन्ना दे विच तेरा नाम पाया ना, उदों मेरे स्वास चलन लग गए, मेरे विच जान पेगी, मेरी जिहड़ी काया वो सुती जाग पी सास। इस करके भगत नामदेव जी करता सी अगे घरे जपदे हैं, तुर फिर के जपदे हैं, अज मंदिर विच ना चलिए, मंदिर विच किड्डी बाबा जी की कला। नामदेव बेचारा भगत मंदिर विच वड़ गया ते पंडित ब्रह्मणा ने, ब्रह्मणा कल्या नूं अधिकार सी, किसी सूदर बैंस खत्री अधिकार ही नहीं सी, खत्री नूं अधिकार सी दुकान दा कम कर, बैंस बाही दा कम कर जाटां तों, सूदर नूं आ लोकां दा कम धंधा कर, लोकां दा कम धंधा कर। ते गुरमुखो इको ही ब्रह्मण नूं अधिकार सी काश दा प्रभु दी पूजा दा, उहदे खेल नूं उही जाणदा। जदों हंकार आ गया ना ब्रह्मणा नूं, बाबा जी फरमाउंदे सन उहनूं होर कुछ तां पा हो जांदा पर हंकार उहनूं पाउंदा नहीं। सिख जिहड़ा भी कोई कम करे, चाहे सेवा कर लो, चाहे सिमरन कर लो, ते चाहे संगत कर लो, पर एक भी ना कहो सतगुरु तेरी संगत तू कराई, मेरे च कोई भी ताकत नहीं। बाबा जी कहते बस गुरु नानक जरूर नेत्र खोल के तेरे उत्ते दृष्टि पा देवेगा। गरीबी का सरूप ही यह है, बस जे किसी ने गरीबी के सरूप के दर्शन करने होण, सूरज निकले तो ते सूरज छिपदे तिकर, पाठ भी करे, कम भी करे, धंधा भी करे, पर नाल नाल कम कार करदा करदा कि साध संगत शाम नूं रह रस दा पाठ करे, अरदास करे, कीर्तन सोला पड़े, पैन लगा ये गल कहदे सच्ची पातशाह अज दा दिन, अज दा नाम, अज महापुरखां दी संगत, अज दी मस्या, अज दी पूर्णमाशी, जो अज तू कराया मैं नहीं कीता, सब कुछ तेरे लेखे ही है, मेरे विच कोई पावर नहीं। बाबा जी कहते सन फिर उस प्रेमी नूं मिले, उहदे मुख दे दर्शन करो, तुहानूं गरीबी दे सरूप दे दर्शन हो जाणगे जे दर्शन करने। पर गल औखी बहुत है, कलयुग दा भयानक समां चल रहा, पर महापुरखां दी रसना तो नहीं सजदा। साडे तां बाबा जी बैठे आ, असी कलयुग नूं की जाणदे हां, कलयुग की कर सकदा, जिथे गुरु नानक दी मेहर दा वासा होवे। हुणे ही गुरु जी ने अपने सारयां ते मोहर ला दित्ती, हमरी गणत न गणिया काई, अपना विरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान, सदा सदा रंग मान। यह हुक्मनामा उदों आया सी जदों अठ ग्रह इकट्ठे हो गए सी, हिंदुस्तान का राजा जवाहर लाल सी, जवाहर लाल हिंदुस्तान का राजा, अठ ग्रह इकट्ठे हो गए सी, ते पंडित ब्रह्मण जोशी राजे नूं
होर सरकारां नूं इकट्ठे करके कहिंदे वी बहुत खतरा है, शायद जां कोई भयानक जंग लगे जां कोई एटम बंब चल जाएगा ते जां फिर धरती गर्क जाएगी। अठ ग्रह इकट्ठे हो गए है दखण वाले पास्यों, रोज गोदी वाला तारा चढ़ता सी, कई प्रेमी हजे बैठे, कई प्रेमी बैठे है, 60-61 का जिक्र है, 60-61 1900 उस टाइम की साध संगत जोशी ब्राह्मणा ने राजे नूं डरा दिता, जवाहर लाल बड़ा डर गया, जिन्ना मायाधारी हो ना उन्ना डरू ज्यादा हो, डरू जिन्ना नामधारी हो उन्ना निरभय हो, निरभय अंबरधारी हो नितने मौके नूं आसरा बहुत वड्डा सच्चे पातशाह दा आसरा, जिन्ना माया उहनूं हो जे मैं मर गया माया किधर जाऊ बस। पर उस टाइम ते साध संगत राजिआं नूं पैगी भाजड़ भी हुण की करिए, दस्या हमन पाए पाठ पूठ कीते बड़ा कुछ, पर साध संगत पर जिहड़ा फिकर है उहदा कोई निशाना ना मिले, कोई पिछले जन्म की कृपा सदका हिंदुस्तान का राजा जवाहर लाल बिरला टाटा राजेंद्र प्रसाद हिंदुओं के गुरु गुरदेश दत्त स्वामी होर बड़े बड़े विद्वान हरिद्वार के गंगा राम चतुर्भुज साधु इकट्ठे होए विचार की, उन्होंने आख्या भी धर्म ही ठल पा सकता, होर नहीं कोई ठल पा सकता धर्म, कहिंदे धर्म फिर कित्थे है, कहिंदे धर्म है पंजाब की धरती दे विच, पंजाब की धरती धर्म है, इत्थे रब जम्मिया इत्थे ही रब रहा, रब इत्थे ही रब ने रहिंदी दुनिया ताई गुरु नूं गुरगद्दी दित्ती ते प्रगट कीता अवतार धारिया गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, इत्थे ही संत बने इत्थे ही सिख बने इत्थे ही सेवक बने, इत्थे बाबा दीप सिंह वर्गे सूरमे बने सूरमे, जे धर्म है तो पंजाब की धरती पे। फिर कहते ऐ करो जाओ फिर महापुरशां कोल, बिरला होर कई सरकारी वड्डे वड्डे बंदे आए हुए, उन्होंने राय मशवरा कर लिया भी सारे पंजाब दे दिल्ली तो ला के महापुरश उन्होंने बेनतियां करो, बेनतियां जिस टाइम के कई महापुरशों को गए, महापुरश कहते असी की करिए असी तो अगे दुखी हाँ, कोई सवाल पावे तू राजा साडा केस चलता, कोई कवे सासन मेरा चेला नहीं लौट आता, कोई कुछ कवे ऐ आउंदे आउंदे अपने बाबा जी दे कोले झोलड़ी बाबा ईश्वर सिंह महाराज कोले आ गए, लास्ट आ गए बाबा जी कोले, बाबा जी कोले बेनती कीती महापुरखों जवाहर लाल ने भेजिया ते भी आ अठ ग्रह इकट्ठे हो गए है ते दखण वाले पासे बोदी वाला तारा चढ़दा है ते आप इहदा कोई हल करो, तुसी थम है महापुरख है, बाबा नानक जी कहिंदे थम्मे कोई साध ना साध जग विच दिसै कोई ना, साध तो बिना बाबा नानक जी ने थम्मे कोई साध ना, साध बिना कोई थम नहीं सकता, तो तुसी साधु हो। बाबा जी बड़े हसे उन्हां दी गल सुन के बहुत मुस्कराए, बिरले ने आख्या संत हसदे हसदे हजूर अंदरली गल जानते सन, बिरले महापुरख साधु चंगे है पर बंदे दी अंदरली गल जाननी, इह सत्संग पिछले जन्मां दी कमाई हुंदी सन आउण वाले जिज्ञासू दी, महापुरखां वास्ते कोई वाली वड्डी गल नहीं है, चंगे डॉक्टर वास्ते चंगे वैद वास्ते वड्डी गल नहीं है, पर जिन्ना चिर अंदरली गल ना बुझी उन्ना चिर बीमारी का अंदरली का इलाज नहीं कोई कर सकता। बाबा जी साधु बहुत अंदरली गल नूं अपने बाबा जी जानते सन,
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੱਸੇ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਲੈ ਸੰਤ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਿਰਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਬਿਰਲਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਵਾਂ ਤੇ ਬਰਾਊ ਕੌਣ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਬਰਾਊ ਕੌਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਵੋ ਬਰਾਊ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਸਰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁੰਦਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਰ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰਧ ਪਛਾਣ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਜਦੋਂ ਐਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੋਮ ਕਰਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਤ ਜਾਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬੇਫਿਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅੱਠ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਐਂ ਕਰੋ ਕੋਤਰੀ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 108 ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਿੱਲੀ ਕਰੋ ਮੁਕਤ ਦੀ ਪੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਕੁਸਤਾ ਹੀ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਲੋਨੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਤਰੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਠੀ ਵਕੀਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਪਾਠੀ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 35,000 35 ਕਰੋੜ ਵਰਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 35,000 ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇੜ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲ ਨਿਰਭੈ ਸਾਧੂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਕਾਹਦੇ ਨਿਰਭੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਨ ਜਗਰਾਮੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਪਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਖਿਲਕਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਚਨੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਚੜ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਚੜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਥਣਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਚਿੱਚੜ ਚਿੱਚੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ
उन्हें आख्या मैनू कहता, चलो समा पै गया। उन्होंने आख्या असी तो संतां कोले जाने नहीं, संत सानू कहिंदे चिचड़ चिचड़। सरोवर बन रहा सी, उधरों शराब वाले नू फड़न वास्ते जांदे सी घोड़िया ते, ते बाबा जी खड़े सी, बाबा जी खड़े कोल दी लंघन लगे, ते जो लंघन लगे ते बाबा जी ने इशारा किया कि प्रसाद ले जाओ प्रसाद। उन्होंने हाथ मारता असी नहीं आना आना। बाबा जी भी कमाई, वो बाबा जी की कृपा सदका साध संगत आ गई। बाबा जी कहते की गल, थानेदार जगरामी रहने आते नहीं? कहते जी तुम सानू चिचड़ कहने। हुण इत्थे बहुत गल, बाबा जी कहते आखण औखा सच्चा नाम, सच्ची गल कहनी बड़ी औखी है। कहते आइए कि बाबा जी तुम सानू चिचड़ कहने। बाबा जी ने यूं नहीं कहा भी तुहानू कौन कहिंदा, मैं कदों कहा। बाबा जी कहते आहो फिर सच्ची गल तो कही जाती है। बाबा जी कहते चिचड़ क्यों बनते हैं, दुध पियो नानक लेवा। वो नानक सर लेवा लेवा दुध पिया करवाया करो, नौकरी भी करो बच्चे भी पालो, दो ही टेमी आन के कीर्तन भी सुनया करो, गां केड़ा मुंह खाऊंगे जाके। उन्होंने मत्था टेकता, बाबे ने ऐसी खिच पाई आने लग गए, सेवा सिमन कर लग गए। बाबे कहते आहो फिर चिचड़ क्यों बनती है, बाबे कहते दुध पियो नानक लेवा। बाबा जी कहते कीर्तन दुध है, कथा दुध है, पर खून तो खून ही है, पर चरना ते मत्था टेकते। मैं विचार कर रहा निरभो वसे, जेड़ा निरभो वसदा ना किते तुसी नितनेम करियो। नितनेम तो पहला तुहानू कुछ फिक्र होवे घर दी कबीलदारी दा। नितनेम करदिआं करदिआं निरभो साधु दे दर्शन हो जाण ते 24 घंटे तुहाडा चक्कर फुरना निरभय दा बन जावेगा। बई चल जिहड़े को हो वेखी जाऊ, महापुरखां दे दर्शन हो गए, हुण तां निरभो हो गया आपां, मैनू आसरा मिल गया। इस करके साध संगत मैं वह विचार कर रहा सी, अपने बाबा जी ने उन्होंने आख्या बिरले नूं तेरे च विरला, वह कहिंदा नहीं जी असीं सेवा करनी है। बाबा जी कहिंदे विरलिया जे सेवा करनी है ना, इस घर की सेवा तो गोले कर सकते गोले। कहन लगा जी मैं भी गोला। बाबा जी कहिंदे गोला अखे हाँ। बाबा जी कहिंदे गोले का सरूप विखा, गोले का सरूप। वो कहन लगा जी मैं इन्नी पढ़ाई तो जानता नहीं। बाबा जी कहन लगे तू ऐ कर, पैरां दे जोड़ा ला ते लकड़ा लेके आ जंगल चो, लकड़ा लिया के जगरामी बेच, शहर बेच के फिर बाबा जी कहिंदे एक सेर कणक खरीद, कणक एक सेर, ते कल्ले कल्ले दाने नूं अमृत वेले राम राम जपी, राम 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 राम, एक कणक ते सेर नूं, सेर कणक नूं राम राम जपी। वो राम राम दाने हाथ विच दी कढ़े, राम राम वाले, ते चक्की विच दी आप पीही, आप पी के बाबा जी कहिंदे आप प्रशादा बनाई, आप नंगे पैर प्रशादा साढ़े कोल ले के आई। विरलिया जदों तू प्रशादा लिया के रखे असी भोग लाया ना, असी गुरु नानक नूं आखांगे सच्ची पातशाह तेरा गोला प्रशादा लेके आया है। जदों तू प्रशादा लियांदा सुनी सुनाई गल ही, बाबा जी कहिंदे असी तैनू गुरु नानक बुरकियां तोड़ दे प्रशादा छक दे अखी विखा देंगे, अखी विखा देंगे विरलिया अखी। पर गल्लां करनियां बहुत सौखियां, गोला बनना बहुत औखा। बाबा जी कहिंदे अखी विखा देंगे पर जंगल नूं जा। वो कहिंदा जी मैं बड़ा औखा काम है। बाबा जी कहिंदे बस फिर मोया वाज ना माही मिलदा, मर जीवे तू पावे लोकां पाणे। ये गल हासा, कोई आशक विरला करके दिखा देवे सास उत्ते। मैं दृष्टान दे रहा सी अपने बाबा जी ने सारी सरकार नूं सारिआं नूं की आख्या भी आपां गुरु नानक नूं पुछ लैंदे। बाबा जी तरीका महापुरख धुरों आए महापुरख, हमरी गणत न गणिया काई, अपना विरध पछाण हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग माण
साचा साहब सद मेहरबान। बाबा जी कहिंदे सदा ही मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुरु पूरे। बाबा जी कहिंदे लाओ, गुरु नानक ने मेरा गुरु नानक बोलिया। बाबा जी कहिंदे जाओ, बंद पै गया, टुट्टे नूं बंद पै गया। बंद पाया मेरे सतगुर पूरे, होई सर्व कल्याण। जीओ पाए पिंड जन साजिया, दिता पहनण खाण अपने दास की। जब कोतरी कर दो ते सारे दास बन जाओ, दास दास बन जाओ, कोतरी करो। फिर रैरू करके कहने बाबा जी तुसी पाठी भेजो। बाबा जी इशारा किया, चंगा बई प्रोग्राम बन गया। अपने बाबा जी ने उन्होंने जाके दसिया जवाहर लाल नूं, ते सारा पता लग गया भी महापुरखा ने वचन करे आ बाबा जी ने। उस तो बाद साध संगत जो अपने बाबा जी नूं कहिंदे भी तुसी बाबा जी आओ दिल्ली। बाबा जी दिल्ली गए, उत्थे साध से हिंदुओं के गुरु गुरदेश दत्त स्वामी, होर बड़े बड़े बिरला सारे बाबा जी के आगम विच खड़े से भी बाबा जी आ रहे है, दिल्ली आ रहे। पहली बार खड़े से हिंदुओं के गुरु गुरदेश दत्त स्वामी जी भी खड़े से। जवाहर लाल ने फोन करता भी बापू गांधी के नाम से स्कूल बनना है, उसकी न्यों रखनी है, तो तुम छेती आओ। वो कह लगे भी इतने बाबा जी कलेर वाले आ रहे हैं भी मैं उन्होंने आगम विच खड़ा, आगम विच, तो इस करके मैं अज आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। जवाहर लाल ने आख्या चढ़ाई बहुत है कलेर वाले की, फकीर पहुंचया होया, फकीर पहुंचे चढ़ाई बहुत है। मेरे मन की इच्छा मैं इतने खाना तैयार करदा, तुसी महापुरखा नूं मेरे महलां विच सीधे ही लियाओ, सीधे लियाओ, सीधे। हिंदुआं दे गुरु तो बहुत खुश होए, फुल गए। जदों अपने बाबा जी गड्डी च सीगे ते बाबा जी नूं आखिया महापुरखो, अज हिंदुस्तान का राजा आपां उत्थे चलना, उहदे महलां चों डीकदा आपां उत्थे चलना, उत्थे खाना तैयार है, उत्थे चलना। बाबा जी कहन लगे हिंदुओं के गुरु नूं, बाबा जी कहिंदे स्वामी जी राजी रहो चाहे गुस्से रहो, राजी रहो चाहे गुस्से रहो। ओ राजा, असी राजे जोगी, असी तो उहदों कुछ लैणा नहीं, जे उहने कुछ लैणा तां साडे कोल चल के आ जाए। अज दे साधुआं दी गल वेख विचार करके वेख, बाबा जी कहिंदे ओ राजा, असी राजे जोगी। बाबा जी कहिंदे असी तो कुछ लैना नहीं, उहदों जे उहने कुछ लैणा है तां साडे कोल चल के आ जाए, चल के आए सन तां कोई लोड़ नहीं। बाबा जी हिंदुआं दे गुरु नूं कहिंदे असी उत्थे जाणा है, कित्थे, जिथे गुरु नानक बैठा है ते गुरु नानक दीआं संगतां जुड़ियां बैठियां, असी उत्थे जाणा। बाबा जी कहिंदे साडी दरगाह चों डिप्टी लगी होई है, जिस नूं दर्श दिखाए अपना साध संगत के पासे। हिंदुआं दे गुरु बहुत हैरान होए, जवाहर लाल नूं कहिंदे पहली वेर जिंदगी विच ऐसे महापुरख मैं वेखे है, पहली वेर जेडे कहिंदे मैं राजा जोगी ते मैं हिंदुस्तान दे राजे तो की लैणा, जे उन्हें कुछ लैणा ते मेरे कोल आ जाए, आ जाए। उन्हें आख्या जे दर्शन करने हैं तो करमां नाल जिंदगी च समा मिले। हिंदुआं दे गुरु ने राजे नूं आख्या जवाहर लाल, एक बारी जिंदगी दुनिया ते आउणा है, मुड़ के तरीक जुगां दी पै जाणी है, मुड़ के खबर ऐसे महापुरख दे दर्शन होण खबर ना ही होण। इस करके साध संगत जवाहर लाल भी बाबा जी दे दवान विच चल के आया, चल के बाबा जी वचन करदे ये दवार जी जिहड़े चल के आउंदा ना, चल के तुसी आए हैं भागा वाले, ये दरबार जिहड़ा चल के आउंदा है, ते फिर उहदा फल किन्ना फल। बाबा जी कहिंदे कई जन्म ही गांह हो जाते, कई जन्मां दी कमाई इकट्ठी हो जाती है महाराज, ये सतगुरु नानक साहिब दा दरबार। इस करके गुरमुखो मैं वो विचार कर रहा सी, भगत नामदेव जी फुरना बनिया भी आपां मंदिर च चलीए,
दर्शन कर गए ठाकरां दे, अगे तो निर्गण नूं मानदे आ निर्गण, पर अज सरगण दे मंदर च खा गए दर्शन ना करन गए, दर्शन कर गए। नामदेव दा फुरना बनिया जदों मंदर विच गया, अधिकार सी कल्ले ब्राह्मणां नूं विद्या पढ़न दा, पूजा करन दा, वाह होर किसी नूं अधिकार नहीं सी। आपां दे लोक अधिकार ही नहीं सी आपां नूं, ये तो बाबा जी की कृपा हुई अपने उत्ते। बाबा जी ने तरस पिया मेरा, मैं तो ही सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीव। बाबा जी ने नक्शा ही बदलता, धन गुरु नानक साहब पातशाह। उत्थे ऐसा समा होया, नामदेव के पिछले जन्म की कमाई के कारण, पिछले जन्म की कमाई थोड़ी, पिछले जन्म की कमाई नामदेव आ गया मंदिर च। जब मंदिर च वड़ गया, मैले लीड़े लिबड़े पैर, ढई जी पग, ते नामदेव बह गया, लग गया कीर्तन करन, ताड़ियां मारन लग गया। नामदेव प्रेम भगत प्रभ लाग गई, प्रेम दी भगती, प्रेम दी भगती, प्रेम दी। बुले शाह दा कोई कोई जिक्र आउंदा, बाबा जी भी जिक्र करिया करदे सन। बुले शाह दा, बुले शाह कोले संगत आई दर्शन करन, सेवादार ने आख्या बुला घरे नहीं है। कहिंदे बुला कित्थे गया फिर? बुला कहिंदे बुला कंजरी कोले गया। कहिंदे है की करन गया? बुला कहिंदे नाच सिखण गया, नाच सिखण। बुला नाच, बुला आ गया। कहिंदे बुलिया एडा फकीर, असीं तां सोच सुनी सी वी तू पहुंचिया, पहुंचिया ते सानू पता लगे वी। कहिंदे कंजरी कोले गया, वह बुला कहिंदा मैं तां नाच सिखण गया। कहिंदे की करना? कहिंदे रब नूं खुश करना, नच के रब नूं खुश करना, भी किवें भी कोई खुश कर लवे रब नूं खुश कर। उत्थे साध संगत नामदेव लगा कीर्तन करन, ना चिमटा सी, ना ढोलक सी, ना छैणे सी, वह ताड़ियां लगा मारन, बौरा हो गया, मेरी मत बावरी। ऐसा समा बनिया, पंडतां ने फड़िया बाहों, मारिया दो धौलां, धक्के मारे नामदेव, बाहर कढ़ता नामदेव, नामदेव ने बाहर कढ़िया भी सिरिया नहीं, मगर पै गए भजाया। नामदेव मंदिर के मगरले पासे बह गए कानियां विच, सरां विच, ते उत्थे भी उवें ही कीर्तन करन लगा, ते रोण लगा, रोण लगा नामदेव। आ गए भगवान प्रेम दी खिच, भगवान आ गए, कहिंदे भगता क्यों रोना? कहिंदे रोवां तां की करां, ना दुध दी लोड़ है, ना पुत दी, ना माया दी, कादी लोड़ है? कहिंदे लोड़ है वी मंदिर विच तू बैठा हां, मैं दे सामने बैठा, मैं तेरे दर्शन करां, होर कोई लोड़ नहीं है। होर कहिंदे आ मंदिर विच, कहिंदे अगे कुटिया मारिया, हुण नहीं मंदिर विच जाना, ते पर अड़ी भी मेरी यही है भी तू मंदिर च बैठा होवें ते मैं तेरे दर्शन करां। भगवान ने बांह फड़ ली, कहिंदे आ जा। कहिंदे मैं तां इत्थों उठना ही नहीं, इत्थे बैठना। भगवान का तरीका वर्गी सी, होर की कीता भगवान ने? भगवान ने फिर सास मंदिर नूं जफ्फा पा लिया, जफ्फा बहुत वड्डा आकार बना लिया, बना के आकार दे द्योरे ही फेरता, कहिंदे मंदिर ही घुमाता। जदों नामदेव वालों मंदिर गया, मूँह होया ते पंडित ब्राह्मण छैणे ढोलकी छड के भज गए सारे। की कहिंदे? कहिंदे भुचाल आ गया, भुचाल सब छड के भज गए, भगवान विच बह गए, ते लै भी नामदेव कर ला दर्शन, दसी नामिया तेरा केड़ा कम करां, किन्ना दा? ये प्रेम दी गल है साफ, जिन प्रेम कियो कोई कर सकता है। कलयुग दे विच, सतयुग विच, द्वापर त्रेते नहीं कोई कर सकता सी, इको ब्राह्मण ही कर सकते सी, दूजे नूं धक्के पैंदे सी, धक्के कुटमार हुंदी सी। बाबा जी ने ऐसी कृपा कीती, जो भी अज इस घर का कोई गोला बन जाए
ते गुरु नानक ओदा गोला बन जांदा सस वी इस घर दा कि गोला बन जे कि पानी ढो दे वे कि हुक्म दा सत बचनिया बन जावे कमी रह जाए। बाबा जी ने कलजग में बूआ ये खोलता तुमरी सरन तुम्हारी आस तुम ही सजन सहेले राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले। आप इतने गुरु नानक के घर के गोलिया की मोहर लाने आए भी सतगुरु मैं आपके घर की मोहर ला दे मैं तेरे घर का गोला अखवा के दुनिया तू जावा जावा होर कोई जड़े लीडर है या कोई होर गोले वो झूठिए माया दे संबंध हैं पर जेड़ा साड़ा संबंध है। बाबा जी कहते महापुरखा ने कि नाम का प्यार पैंदा जावे तो बाबा जी कहते भी दरगाह ऐसे जन्म च ओदी कमाई का डंका खड़क सकता दूजे जन्म की लोड़ ही नहीं है कि प्यार प्यार माया ना घटदा नाम ना वधदा नाम रिश्ता पाओ साधु दे नाल नाम दा जिन्ना नाम दा रिश्ता पाओगे उन्ना अंदरों प्यार वधदा जाए प्यार वधदा जाए। पर नाम दा रिश्ता उदों होवेगा बुलिया वेखण वाली अख नहीं भई जदों अख बन गई वेखण वाली अख नहीं ते रब दे इथों वख नहीं। तीसरे पातशाह सतगुरु संगतां भगता रहे कीर्तन हो रहा है 12 साल गागर ढोई की बन गए बी पानी ढोन वाले की बन गए गुरगद्दी दे मालिक अणमुली कोई मुल ना लख ना करोड़ ना सरकार कोई दे ही नहीं सकता ना उते कोई जोर है सिर्फ पानी ढोया 12 साल की बन गए बी अणमुली गुरगद्दी दे मालिक बन गए। गुरु अंगद साहब ज्योति ज्योत समा गए सतगुरु दुआन च बैठे है रबी कीर्तन हो रहा है कीर्तन रबी हो रहा है कि सतगुरु गुरु अंगद साहब का खेल है पुत्र आ गया पुत्र उसने की वेख्या उसने वेख्या चढ़ावा बड़ा चढ़िया हुआ चढ़ावा ये साढ़े को गद्दी हुंदी चढ़ावा साढ़े काम आना सी आना सी क्रोध बाबा जी कहते सन क्रोध का जे ना ठल पवे कीरा बंदे नूं नरक विच नहीं कढ़दा नरक विच क्रोध का लाज महापुरख की संगत है महापुरख पर गुरमुखों क्रोध इन्ना आया तीसरे पातशाह के दवान विच बैठिया मगर दी होके ढूई विच लत मारी तीसरे पातशाह दे लत मारी तीसरे पातशाह समाधि च बैठे से जो ढूई विच लत मारी सतगुरु पलक तो थले डिग पे जो थले संगतां ने आख्या सतगुर छेती उठे विर दे शरीर सतगुर जो उठे सतगुर ने संगतां नूं कहा भाई मेरे ना इवें होनी चाहीदी सी मेरे ना इवें होनी चाहीदी सी मैं इन्हां दे घर दा खा के ते लून हराम कीता मेरे गुरु दे होण पुत्तर ते मैं मंजे ते बैठा होवां इवें सजा मिलनी चाहीदी सी मैं सत्कार ना कीता ये सजा मिलनी जरूरी चाहीदी सी सजा मिलनी चाहीदी सी। वेखो विचार करो किन्नी निवरता फिर की आख्या लम्मे पै गए गुरु अंगद साहब दे साहिबजादे दा चरण फड़ लिया घुटन ला गए फूका मार ला गए कहिंदे तेरे कोमल चरण ते मेरे वड्डे वड्डे हड्डां दे कारण तैनूं चोट लगी होऊगी तैनूं चोट लगी होऊ तैनूं चोट ना लगी हो। देखो किड्डा इतिहास है इतिहास गुरबाणी संगत महापुरखा दे वचन फुल्लां दी छेज है बंदे नूं घर बार भुल जांदा प्रशादे भुल जांदे दुख बीमारियां ब्लड कैंसर सब भुल जाते बंदे जो साध संगत इतिहास सही ते गुरबाणी ते महापुरखा की संगत जो गुरु नानक का दरबार फुलां दी छेज मलो मल ही मन जुड़ जाता मलो पता वो लगता भी इन्ना समझ ना
जुड़ेगा समा लंघदा महाराज उत्ते समय अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे इत्थों निकल जाओ गद्दी साडी साडा हक है। सतगुर कहिंदे सत वचन सत वचन संगतां ने आखिया नहीं मर जान नहीं देना। सतगुरां ने माया दी पंड एक घोड़ी उदों ही मंगा के ते चरना ते मत्था टेक के कहिंदे रौला माया दा ही है। सतगुरां दे पुत्तर नूं कहिंदे माया दा रौला आ माया लै लै माया घोड़ी ते बुआ के माया दी पंड उहदे मूहरे रख के ते तोर के चरना ते मत्था टेकिया टेकिया फिर शाम नूं दवान विच बैठे कहिंदे फिर भी आऊ पर मैं वचन करिया मेरे गुरु दे साहिबजादे आ की वचन करिया कहिंदे इत्थों निकल जाओ ते मैं आख्या सत वचन हुण सत वचन तो तां मन्ने जी निकलां पर संगत निकलण दिंदी नहीं। संगत भोग पै गया समाप्ति हो गई अड्डो अड्डी ड्यूटियां ला दियां सब दियां ड्यूटियां ला दियां सोचिया आपां गद्दियां तो की लैणा आपां तां घर बार छड्डिया गागर की सेवा की कहिंदे इन्ना तो गद्दी विच आनंद नहीं आया जिन्ना गागर की सेवा विच आनंद आया आनंद आया। चलो आपां की लैणा इन्हां च मेलियां चों रात नूं सवा बारह बजे निकल गए अपने पिंड बासर के चले गए। जो दूसरे पातशाह की सेवा में लगे से एक खेत कोठा बनाया हुआ सी पहलां दा समाधि ला लेंदे से खेत कोठे च ते गुरमुखो कोले दे नाल तगतियां दे उत्ते लिख दिता भी वह गुरु नानक का सिख नहीं होवेगा जिहड़ा बार खोलेगा वह सिख नहीं होवेगा उहनूं दरगाह च कोई थां नहीं मिलेगा जिहड़ा बार खोलेगा कोले दे नाल लिख दिता ते अंदरों कुंडा ला लिया अंदरों ला लिया कुंडा। जदों सुबह आसा दी वार रागी आए संगत आई जो सतगुर का कमरा वेख्या वेला बहुत भाजड़ पेगी भी सतगुर किधर गए कोई कुछ कवे कोई कवे गुरु जी की लत मारी हाथक होगी कोई कुछ सारा ब्यास दरिया वेख्या दरिया वेख्या शायद गुरु जी चल प्रवाह कोई कुछ सोचे कोई कुछ सोचे पर अखीर सा संगत ब्रह्म ज्ञानी जे रब पाऊ दस तो ब्रह्म ज्ञानी पाऊ। जो गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब गद्दी दिती है तो की आख्या सी इतों उठ जाओ इतों कित्थे चले जाओ खंडूर चले जाओ खंडूर चले गए खंडूर किहदे कोले माता भराई कोले चले गए गुरु अंगद साहब उन्हूं की आख्या मेरे बद्दे हथ भी मैं अपने गुरु दे हुंदे आ ना गुरु नहीं बनना ना दर्शन देने आ ना कोई वचन करना मेरे बद्दे हथ मैं तेरे घरे लुकण आया लुकण मैंने लुको ला माता भराई नूं आख्या सतगुरु गुरु नानक साहब जी ज्योति जोत समाए छे महीने बाद समाए ज्योति जोत ते संगतां हो गईआं बहबल भालण वास्ते पर संगतां नूं ना पता लगे ते फिर की आख्या बाबा बुढ़ा जी नूं बाबा बुढ़ा जी ने इन्नी सेवा की सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जी से सारी सारी रात खड़े रहना घरों दुध प्रशादा पानी सारी सेवा करनी। एक दिन बुक्कल विच लै के कहिंदे बुढ़िया मैं कुछ आ कुछ मंग ला कहिंदे मंग तां इह है सच्चे पातशाह बहुत सोहणी मंग है तुसीं जरूर मंगिया करो अरदास करिया करो मंग इही है मेरी सुरती आसे पासे ना जावे तेरे चरणां नाल जुड़ी रहे। बाबा बुढ़ा जी ने मंग मंगी मेरी सुरती आसे पासे बड़ी चाहती आसे पासे सारे दी जावड़ी साडी भी जावड़ी है कदे उधर जावड़ी कदे भोरे च जावड़ी कदे उत्ते जावड़ी कदे उधर जावड़ी सुरती टिकदी नहीं जदों मंग मंगांगे ना फिर मंग जरूर पूरी हो अपनी मंग मंगण वाली चीज है। बाबा बुढ़ा जी ने आख्या सच्चे पातशाह भी मेरी सुरती आसे पासे न जावे तेरे चरणा नाल जुड़ी रहे। बाबा जी ने आख्या बुढ़िया बाबा बुढ़ा तू मंग बहुत सिरे दी मंग ली है चंगा तेरे सुरती जोड़न विच ता ढेर हो
पर मेरे दर्शन देन विच देर नहीं हो। मंग किन्नी सोहनी है, कोई मंगदा है मंग? जदों सुरती जुड़ गई ना, अद्धी दुनिया ने तुहानू कहना है कमला बौरा, अद्धी दुनिया ने कहना है सासत इनका हंकार हो गया, हंकार हो गया। जदों सुरती जुड़ गई दुनिया नू वखरा हो जाणा, वखरा दुनिया ने होर पासे ते सासन तू निरंकार वाले पास। सुरती जुड़ गई, बिरती जुड़ गई, दुनिया भुल गई, हो गया जीवन सफल हमारा। संगत करनी वो है चंगी, जिते आवे जाद प्यारा, बिरती जुड़ जावे किड्डी सोहनी मंग है बिरती। हुण जदों भोग लवाईदा है, जदों सास गुरु साहब प्रकाश करिए, बाबा जी ने ऐसी कृपा करती, मल्लो मल्ली बिरती जोड़नी तरीका बाबा जी ने ऐसी कृपा कर, भाई भोग लवाओ। जो सही महीने च कोई भोग लवाउंदा है, ठाठा में लगता है भोग अपने, या घर च भी लगता है, गृहस्थी कबीलदार घर सरूप रखे है, तो प्रशादा रख के बह जाइए। जे 22 मिनट अद्धा घंटा थोड़ी बिरती जुड़ गई तो दरगाह च हारी लग गई, प्रशादा छको, सच्चे पातशाह कृपा करो भोग लाओ। देखो 12 साल कते ऐ लंघ जाण, 12 साल बाद ब्रह्म ज्ञानी तुहाडे घरे आण के प्रशादा छक लग गया, किहदा सरूप होवेगा? ब्रह्म ज्ञानी सगलकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, उहदा फल है। किड्डी कमाई बाबा जी, खोज तो खोज तो खोज विचारियो, राम नाम तत् सारा, बाबा जी ने ऐसी बख्श कीती है। उत्ते ऐसा समा तीसरे पातशाह लोप हो गए, संगतां कठियां हो गई, बड़ा रौला पै गया, बड़ा रौला पिया, सारी दिहाड़ी लंघ गई, सारी रात लंघ गई, 24 घंटे लंघ गए, संगतां विच बहबर बड़े, तीसरे पातशाह किधर गए? बड़ा बराग हो गया माई भाई वीर बजुर्गों नूं, किवें करिए? सोचदे सोचदे कहिंदे ऐं करो भी बाबा बुढ़ा जी नूं लियाओ, बाबा जी ने गुरु नानक नूं खुश कीता, खुश गुरु नानक नूं कीता खुश, ते गुरु नानक साहब तो वर लिया होया है कि बुढ़िया जदों तू याद करेगा असी तेरे कोले होवांगे, दूर नहीं होवेंगे, तेरे याद करन विच पहुंचण विच डिया। ते तीसरे पातशाह बाबा बुढ़ा जी कोले, जो बाबा बुढ़ा जी कोले गए, बाबा जी ने सारी दसी दिथिया, बाबा जी आए उस जगह ते उस कमरे च आए, मत्था टेक के विराग किया, कहिंदे सानू कोई पता नहीं लगता, बाबा बुढ़ा जी कहिंदे नहीं महाराज तुसीं पर्दा पाउने आ, तुहानूं वर दित्ता है गुरु नानक साहब दा, कृपा करके साढ़े नाल चलो, सतगुरु सच्चे पातशाह नूं भाल के लियाइए। उस टाइम ते सास ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा जी कहिंदे तीसरे पातशाह की घोड़ी खड़ी है, घोड़ी आपां अरदास करो, अरदास ते घोड़ी का रस्ता खोल के गल भेट दिता, अरदास करो वाहेगुरु सतनाम जपदे हुए संगतां, घोड़ी मूहरे जा रही, संगत मगर मगर जाती है, जांदियां जांदियां ते बासर के उस बार मूहरे घोड़ी चली गई जिथे अमरदास सतगुरु समाधि विच सन, घोड़ी चली गई, घोड़ी उस बार चली गई। जदों सारी संगत ने वेख्या, बाबा बुढ़ा जी ने वेख्या भी कोले ना लिखिया होया, जिसने साडा बूहा खोलिया वह गुरु नानक का सिख नहीं होगा, गुरु नानक का सिख नहीं होगा, दरगाह विच उहनूं कोई ढोई नहीं होगा, उत्ते लिखिया बार दे विच जे कोई बूहा खोलू। सारे फिर रुक गए, जिन्ना बचोला ब्रह्म ज्ञानी बने तां बंदे दा साह संधार हो गया, सारी संगत रुक गई भी बहुत औखा भी आपां तां सिख बनना, दरगाह च सजा मिलू। बाबा जी नूं फेर आखिया, बाबा जी हुण तुसीं कृपा करो, तुसीं कोई हल लभो हल। बाबा जी कहण लगे ऐ करो एक सबल लियाओ, सबल सबल लियाउण वाले गंदाला लियाउण वाले ने आख्या मैं जे मैं सबल लियांदी तां तगता कढोंगे पट्टोंगे त
तगते दे उत्ते लिखिया वा ते ओ शराब मैनू लगू मैं तो सबल लेवणी होई नहीं मैं बाबा जी आप गए एक घरे जाके कंदाला सबल लियांदी लिया के सा संत संगतां ने आख्या बाबा जी गुरु जी ने कोई वचन ना कर दे गुरु जी कहिंदे सिख नहीं होवेगा गुरु नानक दा बाबा जी कहिंदे आपां बार नहीं खोलदे बाबा जी कहिंदे आपां जट्टां वाला दा वरत लैने बाबा बुढ़ा जी कहिंदे आपां जट्टां वाला दा वरत लैने आ सतगुरु समाधि च बैठे सी साध संगत बहुत वड्डी गल है भी कुंडा लाता बाहर लिखता अंदर राशन पानी रोटी पानी जे ना गुरु साहब पहुंचते खबर कै दिन बैठे रहना कह दे बार ये भी एक कमाई है खबर कै दिन लंघ जाए तीन दिन तो लंघ ही गए समाधि च अडोल महीना भी लंघ सकता खबर साल लंघ जाता पर कमाई है ना विचार करो पर जिस टाइम ते गुरमुखो मगरले पासे दी सन लाया बार भन्निया मगरले पासे जो मां बार भन्निया सतगुरु समाधि जी सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी मगर दी बार भन के कोटे होके जा चरना ते मत्था टेकिया सतनाम दा वाजा दिता सतगुरु अमरदास पातशाह ने नेत्र खोले बाबा बुढ़ा जी वल तकिया कहिंदे बाबा जी तुसी वोट नहीं पढ़िया तख्तियां ते लिखिया बाबा जी कहिंदे पढ़िया पढ़िया पता की लिखिया जिहड़ा तख्ते खोलेगा तख्ते तोड़ेगा अंदर वड़ेगा वो गुरु नानक का सिख नहीं होवेगा सिख हुण दरगाह विच थां कोई नहीं लिखिया वा बाबा बुढ़ा जी कहिंदे लिखे नूं असीं हलाया नहीं गा लिखिया उवें ही है अजे तो चोरां नूं मगर दी पाड़ लाया मगर दी पाड़ लाया लिखिया वा तुहाडा उवें ही है उवें जो सतगुरु अमरदास पातशाह ने पिछे मुड़ के वेख्या चानण पिया नैणा विच जल आया होया ना ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जोड़न वर्गा पुन नहीं तोड़न वर्गा पाप नहीं बाबा जी फरमाउंदे सन की आख्या बाबा बुढ़ा जी ने मत्था टेकिया ते सतगुरां ने भी सिर चुकाया बुक्कल विच लिया बहुत घुट के प्यार कीता कहिंदे बुढ़िया बाबा बुढ़े जी नूं आख्या बाबा जी जेड़े सन विच दी तुसी लंघ के साडे दर्शन करे है कोई भी पापी तो पापी होवे किड्डा गुनाही होवे तेरे वांगू बराग दे नाल सन विच दी निकल के जेड़ा दर्शन करेगा ओदी 84 कट्टी जाया करेगी सास किन्ना सौदा सस्ता करता बुढ़िया बुक्कल विच लैके प्यार करके नैणे च जल आया दो जोतां दा मेल हो गया साध संगत गुरु दी ते ब्रह्म ज्ञानी दी जोत ते बुक्कल विच लैके नैणे च जल आया पहला आख्या बाबा जी तुसी मूहरे वेख्या नहीं कहिंदे वेख्या पढ़िया नहीं कहिंदे पढ़िया पढ़िया कहिंदे फिर सिख नहीं बनना कहिंदे बनना कहिंदे फिर दरगाह जाना कहिंदे जाना कहिंदे मैं तो तगते हिलाए ही नहीं मैं तो डाका मारिया पाड़ लाया कितों दी आ गया कहिंदे मगर दी जदों पिछे मुड़ के वेख्या बुक्कल विच लिया कहिंदे इस ते जट्टां वाला पाड़ लाया उत्थे बैठिया बुक्कल विच लै लिया पाड़ वल वेख के जिहड़ी बाबा जी ने रीठे ते दृष्टि पाई सी उस पाड़ वल वेख के आख्या जिहड़ा इस सन विच दी लंघ जा करेगा ओदी 84 कट्टी जाया करेगी सास वर दे दिता वर एक तीर्थ बना दिता सतगुरु किड्डी वड्डी मेहर है हुण इत्थे की कह सकते हैं भी गुरु अंगद साहब ने लत्त मारी गुरु अंगद साहब दे साहिबजादे ने लत्त मारी जे ना लत्त मारदे ते गुरमुखो ये ओदे चोजां नूं मैं की जाणा तेरी सार अनेकां मसाला हन उत्थे साध संगत तुमरी सरन सरन विच आउणा तुम्हारी आसा हुण आपां ओदी सरन मारे मैं तेरी सरन आया तुम ही सज्जन असली सज्जन अपना पाश है तुम ही सज्जन सहेले राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले अज भी दास भी गए सी एक बार
सन साहब बासर के है गुरद्वारा साहब, तो उत्थे जिहड़ा कोई प्रेमी जाता है अज भी वह सन विच दी लंघ जाता है, पर नंगे उवें जिवें ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा नंगे सी, उवें नंगे ना कोई वराग दे नाल मन वराग पिया, वराग सी ना दर्च भाल सी ना, उवें नंगे इउं वचन कीता बाबा जी जिवें कोई तेरे वांगू बराग करके नंगेगा उहदी चरासी कट्टी जावेगी। बराग ये बरागी का दरबार है मालक का, मन बराग पिया दर्शन देखने का, क्यों इत्थे दर्शन भी है इत्थे बराग भी है इत्थे चा भी है, जिथे ये बख्शिश होवे उत्थे फिर जो मंग है, जिथे गुरु होवे फिर पुत्र कुछ मर्जी मंग सकदे, जो मंग है ठाकुर अपने ते मंगो, मंगो जरूर, की मंगो, मंगो राम नाम सभे थोक प्राप्त जी, मंगने वाली चीज जो मंग है ठाकुर अपने ते, शरीक तो मंगांगे अपने बार जाण के खड़ जाणगे, तुरे ही अंदर लांबा देऊगा नहीं, अपने ते अपने तो मंगो, अपने मापे तो मंगो, पर आपां उहदे बन जाओ वो अपना बन जाएगा, मंगण की लोड़ ही नहीं, जिहड़ा सही पुत्र बापू का बन जाता बापू नूं आप ही फिक्र पै जाता, जो मंग है ठाकर अपने शब्द लिखे अपने ते, सोई सोई देव है नानक दास, गुरु नानक दे दास मुख ते जो बोले, महापुरख गुरु नानक दे दास गल्लां करन बहुत सौखियां, दिखलावा बहुत है, पर अंदरों दास बनना गोला बनना ते गुरमुखो अपने आप नूं कुरबान करना, अपने आप नूं कुरबान करना, बाबा जी बख्शिश करदे सन, बाबा जी कहिंदे भाई असीं साध नहीं, असी कोई संत नहीं है, संत असी की है, बाबा जी कहिंदे असीं तां भाई गुरु नानक दे घर दे गोले आ, इउं बचन करदे सन,